फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में उगा सकते हैं, जैसे कि मूंगफली और सूर्यमुखी, या फिर गेहूं और सरसों, या गेहूं और चना आदि। दाल वाली फसलें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा के रहते यदि एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरे की संभावना बनी रहती है। अंतराफसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उनके एकांतर में स्थित दूसरी फसल इस प्रकार उगाते हैं कि प्रत्येक के पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। सोयाबीन और मक्का, बाजरा और लोबिया अंतराफसलीकरण के अच्छे उदाहरण युग्म हैं। इस प्रकार की फसलों में पीड़क व रोगों को सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो हम एक वर्ष में दो से अधिक फसल ले सकते हैं।